नमस्कार प्रियम भारतम में आप सभी का मनःपूर्वक स्वागत है। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? जी हाँ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये ऐसे वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अनुसंधान किया करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में विज्ञान की नींव शांति स्वरूप भटनागर ने रखी है, बस हम उसी नींव पर इमारत बना रहे हैं। कौन है ये शांति स्वरूप भटनागर? आइए प्रियम भारतम में आज हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 में शाहपुर में हुआ था। ये बस 8 ही महीने के थे जब इनके पिताजी चल बसे। इसी की वजह से इनका सारा बचपन इनके नाना जी के घर बीता। इनके नाना जी की विज्ञान और अभियांत्रिकी में बहुत रुचि थी। इसी के तहत शांति स्वरूप जी की भी बचपन से ही अभियांत्रिकी में बहुत रुचि रही। उन्होंने बचपन में अपने सारे खिलौने खुद बनाए थे। इनका शालेय शिक्षण सिकंदराबाद के डीएवी हाई स्कूल में हुआ और आगे 1911 में दयाल सिंह कॉलेज में उच्च शिक्षण। दयाल सिंह ट्रस्ट की शिष्यवृत्ति प्राप्त करते ही उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से डॉक्टरेट हासिल की। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना यह रहा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें ऐसे अनुसंधान को चालना दी जाती है जिससे औद्योगिक प्रगति हो सके, यानी ऐसा रिसर्च जिससे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो सके। यह CSIR हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इससे हमें क्या मिलता है? मिसाल के तौर पर बात है 1980 की, जब भारत में सुपर कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन या तो वो बहुत ज्यादा महंगी थी या तो प्रगत देश हमें ये देना नहीं चाहते थे। तब CSIR ने कमर कसी। CSIR के साइंटिस्ट ने मिलकर कई सीक्वेंशियल कंप्यूटर्स एक साथ जोड़कर पैरेलल में लेकर फ्लो सॉल्वर बनाया 1986 में। तब वॉशिंगटन पोस्ट में रिमार्क था, एंड एंग्री इंडिया डज इट। इसे डिनायल ड्रिवन इनोवेशन भी कहा जाता है। जब प्रगत देशों ने इन्हें भारत को देने से इनकार कर दिया, तब भारत ने खुद के लिए इसका निर्माण किया। इसीलिए इसे डिनायल ड्रिवन इनोवेशन भी कहा जाता है। यह है महत्व CSIR का। बात है 1920 की। तब रावलपिंडी के कटक ऑयल कंपनी के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी थी। वे जब भी क्रूड ऑयल का ड्रिलिंग करते, तब यह ड्रिल ब्लॉक हो जाता था। काफी प्रयास करने पर भी इसका हल नहीं मिल पा रहा था। कई एक्सपर्ट्स ने आकर प्रयत्न किए, लेकिन यह हल नहीं मिल रहा था। तब यह बात पहुंची 31 वर्षीय युवक के कान पर। पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करने वाले ये प्रोफेसर, इन्होंने इंडियन गम का इस्तेमाल करके उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम की और ऑयल कंपनी को इसका हल मिल गया। ऑयल कंपनी इस बात से इतनी खुश हुई कि इन्होंने इस युवक को, यानी शांति स्वरूप भटनागर को, 1.5 लाख का नगद पुरस्कार दिया। लेकिन शांति स्वरूप भटनागर ने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। जब कंपनी ने फिर भी इन्हें यह पुरस्कार दिया, तब इन्होंने यह पूर्ण राशि पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसर्च काम में लगा दी। अगला किस्सा है 1970 का। तब बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स भारत में नहीं बनाए जाते थे, पूरी तरह से आयात किए जाते थे। इसके दो कारण थे। एक तो गाय का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था, और भैंस के दूध से मिल्क बेबी प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं इसकी प्रोसेस भारत को मालूम नहीं थी। तब CSIR ने यह अपने हाथ ले लिया। CSIR के साइंटिस्ट ने मिलकर ऐसी प्रोसेस खोज निकाली जिसे भैंस के दूध से बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जा सके, और तब से सारे बेबी प्रोडक्ट्स भारत में बनाए जाने लगे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने संपूर्ण भारत में कई महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं का निर्माण किया। नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज NCL पुणे, नेशनल मेटलर्जी लैबोरेटरीज जमशेदपुर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरीज न्यू दिल्ली, सेंट्रल फ्यूल इंस्टीट्यूट धनबाद, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मैसूर,
ऐसी कई नेशनल प्रयोगशालाओं का निर्माण इन्होंने किया। इसी वजह से उन्हें भारतीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इनके संशोधन के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1943 में इन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन भी चुना गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया। ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन UGC के प्रथम चेयरमैन भी रहे। इन्हीं के मृत्यु उपरांत भारत में विज्ञान का उच्चतम पुरस्कार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे संशोधक जिन्होंने इस संशोधन का उपयोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए किया, ऐसे संशोधक को प्रियम भारतम की ओर से शत शत नमन। नमस्कार।